आज हम कुरान और साइंस के मुतालिक बात करेंगे। सदियां पहले यूनान के साइंसदानों ने एटम का लफ्ज़ मुतारफ कराया। उनके मुताबिक एटम कायनात की नाकाबले तकसीम सबसे छोटी चीज़ है। लेकिन वक़्त गुजरता गया, साइंस तरक्की करती गई, तो साइंसदानों ने एटम को भी काबले तकसीम करार दे दिया। आज हम जानते हैं कि एटम मज़ीद छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बना है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम दिया गया है। साइंस ने और तरक्की की, हत्ता कि 1963 को साइंसदानों ने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर कुछ और पार्टिकल दरियाफ्त कर लिए, जिन्हें कार्क का नाम दिया गया। प्रोटॉन में दो अप कार्क हैं और एक डाउन कार्क है, जबकि न्यूट्रॉन में एक अप कार्क है और दो डाउन कार्क हैं। साइंस ने और तरक्की की तो इन कार्क के अंदर झांका गया तो मालूम हुआ कि इनके अंदर थ्रेड्स ऑफ एनर्जी हैं। अब हम कुरान की चार आयात का जिक्र करेंगे जो एटम को बयान करती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बयान करती हैं, कार्क को बयान करती हैं और कार्क के अंदर थ्रेड्स ऑफ एनर्जी को बयान करती हैं। पहली आयत मुबारक है, बेशक अल्लाह किसी पर एटम बराबर भी जुल्म नहीं करता। सूरह निसा आयत नंबर 40। अरबी लफ्ज़ ज़र्रा इंग्लिश में एटम पर बोला जाता है। दूसरी आयत मुबारक है, अल्लाह ताला से एक एटम बराबर भी कोई चीज़ पोशीदा नहीं, ना आसमानों में और ना ही ज़मीन में, बल्कि ना एटम से छोटी और ना इससे बड़ी। सूरह सबा आयत नंबर 3। यहाँ अल्लाह पाक एटम से छोटे ज़रात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह की तरफ हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं। और तीसरी आयत मुबारक है, जो ईमान वाला हो, मर्द हो या औरत हो, वो नेक अमाल करे, यकीनन ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे और किसी पर जुल्म ना होगा नकीरा। सूरह निसा आयत नंबर 124। यहाँ पर लफ्ज़ नकीरा इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है दस्तक देना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर कार्क ऊपर नीचे मुसलसल हरकत कर रहे हैं, उनकी इस हरकत को नॉकिंग से तशबीह दी जाती है, यानी दस्तक देना। यानी अल्लाह ने नकीरा से मुराद कार्क को यहाँ पर बयान किया है। और चौथी आयत मुबारक है, किसी पर धागा बराबर जुल्म न किया जाएगा। सूरह निसा आयत नंबर 49। यहाँ पर लफ्ज़ फतीला इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है थ्रेड यानी धागा। यहाँ अल्लाह पाक कार की मज़ीद कंपोजिशन बयान फरमा रहे हैं कि कार्क आगे मज़ीद धागों पर मुश्तमिल है, जिन्हें साइंसदानों ने थ्रेड्स ऑफ एनर्जी से तशबीह दी है। तो अल्लाह पाक हमें कुरान पाक को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।